राधे माई YouTube फैमिली, वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब भी जहाँ कहीं होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। और यहाँ पर ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, अर्ली मॉर्निंग नहीं है लेकिन हाँ अभी मॉर्निंग ही है। तो बेटू को मैंने स्कूल भेज दिया है और उसके बाद फिर उसका लंच जो है मैं बाद में देती हूँ, क्योंकि स्कूल जो है पास में है तो लंच जो है बाद में बनाकर लंच के टाइम तक मैं जाती हूँ, देकर आ जाती हूँ। तो मैंने लंच जो है मतलब बनाया है, तो अभी मैंने उसको दिया नहीं है लंच। मैंने आज लंच में बनाया है फ्राई राइस, नमकीन चावल, जो कि मैं बहुत दिनों के बाद बनाई हूँ। इधर मतलब कई दिन से उसको मतलब मैंने एक दिन पूड़ी दिया, पराठा दिया जब से स्कूल खुला, और फिर मैं उसके बाद एक दिन और मैंने पराठे दिए, और उसके बाद इडली वगैरह दिया। तो फिर मैंने कहा बिट्टू इडली बना दे, तो उसने कहा कि नहीं मामा मुझे इडली नहीं खाना है। तो फिर मैंने कहा चलो आज इसके लिए फ्राई राइस बना देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो मैंने फ्राई राइस जो है कुकर में बना दिया है, अभी बिसल आएगा तो मैं बंद कर दूँगी। फिर उसके बाद 5-10 मिनट बाद मतलब ठंडा होने के बाद फिर उसके बाद जाना है मुझे लंच देने के लिए। और हाँ अभी जो है 10 भी नहीं बजे हैं और आज है डे सैटरडे और डेट है 6 जुलाई। तो इस समय बेटू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज उसका पीटी योगा आर्ट इसका एग्ज़ाम था और कल है संडे, तो ये थोड़ा सा मतलब रिलीफ है। और उसके बाद फिर उसका मंडे को इंग्लिश राइटिंग का पेपर है, फिर उसके बाद ट्यूसडे को हिंदी राइटिंग का पेपर है, फिर उसका एग्ज़ाम जो है मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो 4 जुलाई से उसका एग्ज़ाम शुरू हुआ है और स्कूल तो उसका जो है 27 जून को ही खुल गया था। पहले तो उसका 25 को खुलने वाला था, उसके बाद फिर मतलब एक दो दिन मतलब और बढ़ गया तो 27 को उसका स्कूल जो है जून में खुल गया था। लेकिन जैसे होता नहीं कि मतलब इतने दिन का गैप हो जाए तो फिर बच्चे जो हैं बिल्कुल जाने को तैयार नहीं होते हैं, तो बस वही हाल था। 27 को मैंने उसको मतलब जगाया मैंने और वो उठ भी गया, लेकिन जब मैं उसको ड्रेस पहनाने लगी तो बिल्कुल भी ड्रेस पहनने को तैयार नहीं था। मतलब बहुत जिद किया, कहा मम्मा मुझे आज नहीं जाना है कल जाना है, आज नहीं भेजो मम्मा। तो फिर बहुत मतलब मैंने कोशिश किया लेकिन वो नहीं जाने को रेडी हुआ, तो फिर मैं क्या कर सकती थी। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, बच्चा है आज नहीं भेजते हैं जब जिद कर रहा है तो कल 28 से ही मतलब भेजना स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर सेम जैसे मतलब 27 को किया वही हरकत सेम जो है 28 को भी किया, उठ भी गया था सब कुछ था, बस जैसे मैं ड्रेस पहनाने लगी फिर वही मतलब सेम तरीके से जिद करना स्टार्ट कर दिया। बहुत मैंने कोशिश किया, बहुत मनाया लेकिन बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो कल सैटरडे से भेजते हैं। फिर मैंने कहा आप सैटरडे से भी नहीं सीधे मंडे से ही मतलब 1 जुलाई से ही भेजते हैं, क्योंकि बच्चे भी इस समय नहीं आ रहे थे स्कूल में, कहीं से मतलब मुझे पता चला तो ये हुआ कि बच्चे जो है अभी आ भी नहीं रहे हैं। तो बहुत लोग जो है मतलब 1 जुलाई से ही अपने बच्चे को भेजने वाले थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है बच्चा मतलब जाएगा तो बच्चे नहीं आ रहे तो पढ़ाई वगैरह भी अच्छे से नहीं होगी, तो फिर चलो ठीक है 1 जुलाई से ही इसको स्कूल भेजते हैं। तो फिर मैंने यही मन में ठान लिया, तो फिर सैटरडे को भी नहीं भेजा, तो फिर उसको मैंने सीधे 1 जुलाई से ही मतलब भेजना शुरू किया। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, अभी 10 भी नहीं बजे हैं, तो
मुझे अभी लंच भी देने जाना है, लेकिन मैं आज अभी नहीं नहाई हूँ, लेकिन हाँ जब से बिट्टू का मतलब इस बार स्कूल खुला है तब से मैं मतलब डेली जो है सुबह मतलब नहा के पूजा करने के बाद उसको फिर लंच देने जाती हूँ, लेकिन आज मुझे घर की डीप क्लीनिंग करनी थी इसलिए मैंने जो है अभी नहीं नहाया है। बिना नहाए अभी मैंने लंच बना दिया है, अभी मुझे नहाना है। तो आज मुझे मतलब घर की डीप क्लीनिंग करनी थी इसलिए मैंने मतलब जो है अभी नहीं नहाया है, तो अच्छे से पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद तब नहाऊंगी। वैसे तो क्लीनिंग मतलब जो होता है तो जल्दी वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि जब बेटू छोटा था तो ये होता था कि मतलब बच्चे जब छोटे होते तो मतलब सोते रहते हैं ज़्यादा, तो टाइम मिल जाता है, लेकिन अब तो बड़ा हो गया है तो बिल्कुल भी मतलब जैसे है कि मतलब ऐसा नहीं है कि जब वो सो रहा है तो मुझे टाइम मिल जाए, मतलब बहुत रेयर होता है कि टाइम मिल जाए, नहीं तो बेटू है मतलब अक्सर उठ ही जाता है, मतलब अक्सर जब क्लीनिंग वगैरह करना होता है तो बेटू जगता ही रहता है, तो फिर टाइम वगैरह मतलब इस तरीके से नहीं मिल पाता है कि जल्दी जल्दी करना होता है कि वीडियो वगैरह बना पाऊँ, लेकिन इस समय वो जो है स्कूल गया हुआ है तो मुझे मतलब टाइम मतलब मिल गया कि मैं क्लीनिंग की वीडियो जो है मतलब बना सकती हूँ, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। ऐसे मतलब बहुत अच्छे से मैंने मतलब सारी क्लीनिंग नहीं दिखाई है, क्योंकि खुद से वीडियो बनाना होता है और मैं ट्राइपॉड वगैरह कहीं भी मतलब वीडियो बनाने के लिए नहीं यूज कर रही हूँ, तो बस जहाँ मुझे मतलब सही लग रहा जगह वहीं पे मैं मोबाइल को रख करके वीडियो बना ले रही हूँ। और अभी बेटू को मतलब ये था कि लंच देना था तो मैंने जो है फ्राई राइस बनाया था, तो जब बिसल लग गया तब तक मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, उसके बाद फिर मैं बीच में मतलब ये पोछा लगाने वाला काम छोड़ करके पहले मैं उसको जा करके लंच देकर आ गई हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आई हूँ पूरे घर की मतलब जो डीप क्लीनिंग करनी है पोछा वगैरह लगा के, तब उसके बाद मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। तो बेटू को मैं लंच देकर आ गई हूँ और पूरा मतलब किचन लॉबी, तो ये जहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये है लॉबी, और उस सामने आपको डोर मतलब ओपन दिख रहा है वो है किचन। तो किचन की मैंने मतलब क्लीनिंग नहीं दिखाई है क्योंकि मैंने किचन को बहुत अच्छे से मतलब धुल करके डीप क्लीनिंग की है, तो वहाँ पर पोछा वगैरह नहीं लगाया था, अच्छे से धुल के मतलब मैंने क्लीनिंग की है, तो उसको मैं नहीं मतलब यहाँ पर दिखाई हूँ। बाकी मैं लॉबी में और रूम में, दोनों रूम में और बाकी पीछे वाली मतलब बालकनी के पास सब जगह मैंने ये पोछा वगैरह लगा के अच्छे से क्लीन किया है। तो यहाँ पर देखिए लॉबी जो है हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है, फर्श वगैरह देखिए चमकने लगा है। तो जितना हो सका है मैंने मतलब शेयर करने की कोशिश की है, मतलब कैप्चर करने की कोशिश की है क्लिप बनाने की। और इधर मैं मतलब टीवी में भजन भी लगा दी थी तो अभी तो बंद हो गया है जब मैं क्लीनिंग कर रही थी। और वैसे भी मतलब कितना भी है कि मतलब बेटू स्कूल में है तो टाइम मिल गया है, मैं वीडियो बना ले रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि अभी भी जो है दिमाग में एक प्रेशर बना हुआ है कि मतलब काम जो है सारे जल्दी जल्दी निपटा लूँ, कहीं मतलब टाइम ना हो जाए, क्योंकि बेटू को स्कूल से लाने भी जाना है और उसकी छुट्टी जो होती है 12:30 बजे होती है, तो उसके पहले मुझे सारे काम निपटा लेने हैं। तो मतलब खाना तो बन गया है, मैंने आज लंच में बनाया फ्राई राइस, तो वो दोपहर तक मतलब काम अच्छे से चल जाएगा, मैंने ज़्यादा बना लिया है तो आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, डायरेक्ट ही मैं लंच बना ली हूँ तो फ्राई राइस, तो खाने बनाने का झंझट नहीं है, लेकिन हाँ पूरा अंदर से लेकर बाहर बहुत ज़्यादा मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी तो मैंने सब किया। उसके बाद फिर मैं गई बाथरूम में नहाने, तो फिर बाथरूम में कुछ काम जो है मतलब पेंडिंग में थे, जैसे कि मुझे मतलब बाथरूम तो ऐसे मैं जब नहाने जाती हूँ तो डेली ही मतलब मैं क्लीन कर लेती हूँ, तो उसका मतलब मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं था साफ़ करने का, क्योंकि थोड़ा बहुत ही साफ़ करना था, लेकिन हाँ कुछ कपड़े थे तो उसको मैं मतलब जो मशीन में नहीं साफ़ करने थे हाथ में साफ़ करके मुझे साफ़ करने थे, तो कुछ कपड़े थे और डोरमेट था, बेटू का जो है सूज था, और बाथरूम जो है क्लीनिंग करनी थी। तो ये सब करने के बाद फिर मैं नहाई, उसके बाद फिर मैं पूजा की, फिर पूजा करने के बाद देखा कि मतलब टाइम होने वाला है मतलब बेटू को स्कूल से लाने का, तो मैंने कहा जल्दी से कुछ खा लेते हैं, नहीं तो फिर क्या होता जब बेटू आ जाता है तो इस समय बहुत परेशान भी करता है, तो फिर उसमें मतलब मुझे लग जाना पड़ता है, जैसे कि अभी आएगा तो ड्रेस वगैरह निकालना रहेगा, खाना वगैरह खिलाना रहेगा, तो ये होता है ना कि फिर नहीं मिल पाता है टाइम, फिर ऐसे मैं कुछ देर के लिए और मतलब ऐसे भूखे रह जाऊंगी। और अभी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, आज मैंने मतलब चाय भी नहीं पिया है, और जब मैं मतलब लंच करने के लिए गई तो 12:15 के करीब में टाइम हो गया था, तो मैं फटाफट लंच करके फिर गई हूँ बेटू को स्कूल से लाने, और जैसे
जैसे ही वो स्कूल से आया तो उसके पापा मतलब गेट पे आए हुए थे, तो देख लिया तो तुरंत आके जिद करने लगा कि मुझे पापा के साथ जाना है। तो फिर वो मतलब कुछ भी खाने को तो बहुत दूर, वो मतलब बिल्कुल रुकने को ही नहीं तैयार था घर में। तो फिर नहा के रेडी होके फिर वो चला गया अपने पापा के साथ अच्छे से तैयार होके। फिर उसके करीब मतलब 1.5 घंटे के बाद आया, तो मुझे लगा कि मतलब बाहर गया है तो चलो ठीक है, फ्रूट्स वगैरह मतलब कुछ खा लेगा जो मतलब समझ में आएगा, तो ये होगा कि हाँ उसने कुछ खा लिया। लेकिन वो 1.5 घंटे के बाद आया तो मैंने उससे पूछा, बेटू आपने कुछ खाया? तो उसने कहा, मम्मा मैंने कुछ भी नहीं खाया। और गया वो मतलब 1.5 घंटे उसको हो गया था, लेकिन मेरा मन जो है बिल्कुल भी लग नहीं रहा था। इतने देर में मैंने कोई काम भी नहीं किया, क्योंकि अगर बच्चा है अगर कुछ खा पी के निकलता है तो ये होता है कि दिमाग में टेंशन नहीं रहती कि हाँ गया है तो कुछ देर घूम टहल के आएगा। लेकिन जब खाया पिया नहीं रहता तो एक दिमाग में टेंशन सी रहती, तो इसलिए काम करने का भी मन नहीं करता है। तो उतनी देर मैंने कुछ काम नहीं किया, बस मैं ऐसे बैठी थी मोबाइल देख रही थी। फिर मैं इंस्टा पे गई तो वहाँ पे रील वगैरह मैं देख रही थी, तभी मतलब मेरा भी मन कर दिया, तो मैंने एक दो रील बन जो है वो बनाए बस। और बस ऐसे ही मतलब मैंने टाइम खाली पास किया और मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि जब बच्चा है खा पी के नहीं जाता तो बिल्कुल भी मन भी नहीं लगता काम करने में। तो यहाँ पर देखिए मेरा घर जो है पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो बहुत अच्छे से तो मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि अक्सर जो है मतलब मैंने जब से जो ब्लॉगिंग शुरू की है जितनी भी मेरी वीडियो है, मेरा मतलब कोई बनाया नहीं है वीडियो, मैं खुद से बनाती हूँ सारी वीडियो अपनी। और ये होता है कि अगर आपकी कोई वीडियो शूट कर देता है तो वीडियो दिखने में भी मतलब अच्छी क्लिप आती है, और ये होता है कि मतलब आपका काम जो है काफ़ी हल्का हो जाता है, मतलब कोई बर्डन नहीं रहता है वीडियो बनाने में। लेकिन खुद से अगर आपको बनाना होता है तो सेट करना होता है, मतलब सब कुछ आपको ही करना होता है। और ट्राइपॉड वगैरह मतलब मैं बहुत कम यूज करती हूँ, तो बस यही वजह है कि बहुत अच्छे से नहीं मतलब वीडियो बन पाती है। लेकिन हाँ जितना भी बनता है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है गाइस तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, और हाँ कमेंट भी ज़रूर किया करिए और शेयर भी किया करिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब के मत जाया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, आप इसके पीछे नहीं जानते हैं कि कितना मेहनत करना पड़ता है। हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का मेरे लिए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है टाइम 1:01 बज रहे हैं, तो बेटू स्कूल से आ गया, उसको मैं भी लेकर आई थी। तो मेरा सब काम हो गया था, पूजा वगैरह करने के बाद मैंने खाना खाया, फिर देखा टाइम जो हो गया था इसको लाने का बेटू के, तो इसकी 12:30 बजे छुट्टी होती, तो गए मैं इसको लेकर आई हूँ। फिर ये आया है तो इसके पापा आए हुए थे, तो पापा के साथ जाने के लिए जिद कर रहा था, तो फिर से नहाया फिर रेडी हुआ है, फिर चला गया है इसके पापा के साथ। और घड़ी में टाइम बज रहा 1, अभी कुछ भी खाया नहीं है मतलब स्कूल से आने के बाद। तो ये है कि आज जो है लंच इसने अपना फिनिश कर दिया, मैंने बताया था फ्राइड राइस, तो इसको अच्छा लगा होगा तो ये खाया है, नहीं तो मतलब लंच चाहे जो भी बना के तो वापस ही ऐसे आ जाता है, बस थोड़ा बहुत खाता है। तो इसलिए मैं निश्चिंत हूँ कि चलो कुछ खा लिया है, तो गया अपने पापा के साथ, देखते हैं जब वो आएगा तो खाना होगा खाएगा। तो अभी मैं फ्री थी तो मैंने चलो कैमरा ऑन कर लेते हैं, तो बस वही कर लिया है ऑन।